program displays sum of all counting number from 1 to 100. 1 to 100 means, suppose that we are having some numbers 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to 100 or maybe 10 maybe 20, like that. इस केस में कंसीडर किया गया n. n means any number from 1 to n. n के केस में लास्ट वैल्यू एंटर कराएं बाय यूजिंग स्कैन फंक्शन फ्रॉम अ कीबोर्ड. इस केस में परफॉर्म क्या कराना है, अगेन एडिशंस. एडिशंस के रिस्पेक्ट में बात करें, अगेन सेम नंबर्स जनरेट करना विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्टेटमेंट. बस इस केस में नंबर्स के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या कराना है, ऑल नंबर्स का सम और एडिशंस. इन दैट केस अगेन फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टोटल 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड. फर्स्ट वन इटरेटिव वेरिएबल, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था. अगर कोई भी ऑपरेशन सीरीज के किसी भी नंबर्स के लिए अप्लाई करना है, नंबर्स के प्लेसेस पर यूज क्या करेंगे, इटरेटिव वेरिएबल आई जे एनी थिंग्स, जिसके थ्रू लूप्स को मैनेज करें, लूप को इटरेट कर रहे हैं. मीन्स कोई भी ऑपरेशन आई के साथ अप्लाई करने, मतलब क्या है, कंप्लीट सीरीज के साथ ऑपरेशन अप्लाई करना. फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, इंटीजर आई कौन, देन इसका सीरीज के जब सम स्टोर कराए, फाइनली सम को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, सम एक्स्ट्रा वेरिएबल समथिंग सम और रिजल्ट विद द इनिशियल वैल्यू 0. प्लस सीरीज कब तक चलाना है, अप टू एन. एन मीन्स एनी नंबर विच इज रीड बाय यूजिंग स्कैनर फंक्शन यूजिंग कीबोर्ड. इन दैट केस अदर वैल्यू क्या रहेगा, एन. एन के केस में इनपुट रीड कराना फ्रॉम कीबोर्ड्स. फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा प्रोग्राम को क्रिएट करने का, प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन. सेकेंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स फ्रॉम अ कीबोर्ड. इनपुट्स किसके लिए रीड कराना है, इस केस में ओनली फॉर एन. एंटर नंबर और एंटर वैल्यू ऑफ एन. नेक्स्ट वन स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट ऑफ एन. नेक्स्ट वन सिंपली इस केस में मैनेज क्या करना है, लूप. क्योंकि लूप के फॉर्म में जो भी नंबर्स जनरेट होंगे, नंबर्स के लिए एडिशन या सम परफॉर्म कराना है. लूप कहाँ से स्टार्ट करना, वाड़ी था इनिशियल वैल्यू 1. स्टार्टिंग करेंगे फ्रॉम 1. आई इक्वल्स टू 1. कंडीशन क्या है इस केस में, अप टू एन. मीन्स 1 से लेकर लूप को इटरेट कब तक कराना, जब तक आई का वैल्यू या तो एन से छोटा या फिर एन के बराबर है. एवरी टाइम सीरीज में डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा है, अगेन 1 का, इसलिए परफॉर्म का क्या करा है, इस केस में आई प्लस प्लस. नेक्स्ट थिंग्स इस केस में फाइनली एवरी टाइम परफॉर्म क्या कराना, लॉजिक क्या रहेगा, मीन्स इनिशियली फर्स्ट टाइम जो भी सीरीज में नंबर्स जनरेट हो रहे हैं, नंबर्स को ऐड कराना. मीन्स इस केस में इंक्लूड कर लो समथिंग 0. मीन्स फर्स्ट टाइम 1 को किससे ऐड कराएंगे, 0 से. 0 किस में स्टोर ऑलरेडी रिजल्ट में. मीन्स 1 मीन्स आई, 0 मीन्स रिजल्ट. इनका एडिशन अगेन किस में स्टोर कराना है, इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट. इनका जो भी प्रीवियस एडिशन आएगा, देन नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या रहेगा, 2, बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेशन. नेक्स्ट टाइम जो प्रीवियस एडिशन है, फिर से एडिशन ऑलरेडी और ओल्ड एडिशन अवेलेबल किस फॉर्म में, इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट. नेक्स्ट टाइम रिजल्ट का वैल्यू किससे ऐड कराएंगे, आई के न्यू वैल्यू से. अगेन इनका एडिशन क्या आएगा, 0 प्लस 1. इस रिजल्ट का ओल्ड वैल्यू क्या है, 1 1 प्लस 2 इज 3. इस रिजल्ट का वैल्यू क्या रहेगा, इसके इसमें 3. नेक्स्ट टाइम जो भी न्यू रिजल्ट आ रहा है 3, इस न्यू रिजल्ट को ऐड किससे कराएंगे, आई के नेक्स्ट वैल्यू से, बिकॉज इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग आई का नेक्स्ट न्यू वैल्यू क्या होगा, 3. देन 3 को ऐड किससे कराएंगे, प्रीवियस एडिशंस. इस 3 प्लस 3 इज 6. 6 अगेन किस में मैनेज कर लेंगे, इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट. एवरी टाइम जो भी एडिशन आएगा, उसको होल्ड किस में कराएंगे, वेरिएबल रिजल्ट. प्लस रिजल्ट का वैल्यू नेक्स्ट टाइम अगेन किससे ऐड कराएंगे, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 5. फाइनली इस केस में परफॉर्म क्या कराएंगे, रिजल्ट इक्वल्स टू, इस जो भी एडिशन है एवरी टाइम स्टोर किस में कराएं, इनसाइड वेरिएबल रिजल्ट. रिजल्ट में स्टोर क्या कराओ, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या राइट डाउन हुआ, एवरी टाइम एडिशन किसका हो रहा है, रिजल्ट प्लस आई. राइट क्या कराएं, इस केस में रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस आई. फाइनली जब इस लूप का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट होगा, उसके इसमें आई रिजल्ट के फॉर्म में फाउंड क्या हुआ, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n. एंड प्रोसेस में डिस्प्ले करा लेंगे वैल्यू ऑफ रिजल्ट. प्रिंट एफ सम ऑफ गिवन सीरीज इज परसेंट डी इन समथिंग रिजल्ट के इसमें RES. दिस इज द लॉजिक्स फॉर
परफॉर्मिंग एडिशन सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू एन। एग्जीक्यूशन टेस्ट करते रिगार्डिंग सम इनपुट, सपोज दैट अगर स्कैन ऐप के थ्रू एन का वैल्यू एंटर किया है 5, देन इस केस में 5 के केसेस में एडिशन किसका होना चाहिए, 1+2+3+4+5, एडिशन क्या है इसका, आई थिंक 15। चेक करते हैं फर्स्ट वन, जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, इनिशियली 3 वेरिएबल्स डिक्लेरेशन स्पॉट हुए, आई रिजल्ट इस मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल आई, मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल रिजल्ट, मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल एन, देर आर 3 वेरिएबल्स। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद मैसेज डिस्प्ले हुआ एंटर नंबर डिस्प्लेइंग रिजल्ट ऑन द मॉनिटर, फर्स्ट टाइम प्रिंट किया हुआ एंटर वैल्यू ऑफ एन समथिंग, देन प्रेस किया समथिंग 5, जैसे 5 एंटर करेंगे 5 आसानी किसमें हो जाएगा वेरिएबल एन के फॉर्म में, वैल्यू ऑफ एन बिकम्स 5। अगर आपको 1 से लेकर 5 तक एडिशन परफॉर्म कराना है, एन का वैल्यू एंटर करेंगे या 5, और 1 से लेकर 100 तक सम डिस्प्ले कराना है, देन वैल्यू क्या एंटर करोगे, 100 और 1000 रिक्वायर्ड वैल्यू। मीन्स ओनली लॉजिक टेस्ट करने के लिए मैंने सिंपली स्मॉल वैल्यू यूज किया जाए 5, देन नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद 3 सिक्वेंस क्या था, इसके इसमें 4th सिक्वेंस, सिक्वेंस इज 4, एंटर्ड वैल्यू इज 5। नेक्स्ट टाइम स्कैनर भी जस्ट बाद लूप को चांस मिलेगा, लूप के केसेस में सिक्वेंस क्या फाउंड हो रहा है, 5th सिक्वेंस, आई इक्वल्स टू 1, नाउ आई इज इनिशलाइज्ड बाई 1, मीन्स दैट 1 वैल्यू ऑफ आई। देन रिजल्ट के केस में ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू क्या था, 0। नेक्स्ट कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन इज आई लेस देन इक्वल्स टू एन, करेंट वैल्यू ऑफ आई इज 1, एन का वैल्यू ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं एज अ 5, कंडीशन इज 2, कंडीशन 2 है, देन इस केस में चांस मिलेगा इनसाइड बॉडी, बॉडी के केस में परफॉर्म किया और रिजल्ट के प्लेस पर रिप्लेस किया, अगर फर्स्ट टाइम एडिशन किसका करा लेंगे 0 एंड 1 का, क्योंकि किसी भी नंबर में 0 ऐड कराने पर इसका मीनिंग सेम रहेगा, ऑलरेडी 0 किसके पास है, रिजल्ट के पास, और आई में क्या स्टोर है करंटली 1, 1+0+1 इज 1, असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, फर्स्ट टाइम जो भी इसका एडिशन आ रहा है एडिशन असाइन किस में करा लिया, वेरिएबल रिजल्ट के फॉर्म में, प्लस एडिशन किया करंटली 1, वैल्यू ऑफ रिजल्ट वन बिकम्स 1। नेक्स्ट वन अगेन कंट्रोल सेंड करेंगे, कंडीशन सॉरी बॉडी के जस्ट बाद कंट्रोल सेंड हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, अब वैल्यू ऑफ 5 बिकम्स 2, आफ्टर दैट अगेन कंडीशन टेस्टिंग, आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 2, लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन अगेन इज ट्रू, ट्रू है, देन इस केस में अगेन परफॉर्म किया हुआ बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी एग्जीक्यूशन में परफॉर्म क्या कराना है, रिजल्ट का ओल्ड वैल्यू आई के न्यू वैल्यू से ऐड करना, मीन्स आई का करंटली वैल्यू क्या है 2, और प्रीवियस नंबर्स का एडिशन किसके फॉर्म में, रिजल्ट के फॉर्म में, अगेन ऐड किसको कराए, रिजल्ट एंड आई, रिजल्ट का वैल्यू क्या है करंटली 1, आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है 2, 1+2 इज 3, एडिशन आसानी किस में जाएगा रिजल्ट, रिजल्ट का न्यू वैल्यू क्या है 3, मीन्स प्रीवियस 3 नंबर का एडिशन कंप्लीट हो चुका है इसका, तीनों का एडिशन क्या है 3, जो कि रिजल्ट्स के फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट टाइम अगेन I++ अगेन परफॉर्म हुआ, देन I की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, नेक्स्ट वन 3 होने पर फिर से परफॉर्म क्या कराएंगे, अगेन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट होगा तो I का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3, एंड N का वैल्यू ऑलवेज क्या फिक्स्ड करंट एग्जीक्यूशन में 5, कंडीशन इज ट्रू, देन फिर से परफॉर्म क्या होगा, मीन्स जो प्रीवियस एडिशन है, प्रीवियस एडिशन क्या आया था 3, 1+0+1+2 इज 3, अवेलेबल किस फॉर्म में, रिजल्ट्स के फॉर्म में, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो चुका है, आई का वैल्यू क्या 3, देन इस आई को करंटली फिर से ऐड किसके साथ कराना, रिजल्ट के साथ, इसका जो न्यू एडिशन आएगा क्या आएगा 3+3 6, नेक्स्ट टाइम रिजल्ट का वैल्यू क्या अभी 3, और आई का वैल्यू भी क्या है ऑल्सो 3, 3+3 6, अगेन रिजल्ट किस में साइन हो जाएगा, वेरिएबल रिजल्ट के फॉर्म में, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कंट्रोल सेंड हुआ, देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। नेक्स्ट वन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, आई का वैल्यू 4 है इसलिए रिप्लेस क्या करेंगे 4, लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन अगेन 2, कंडीशन 2 है, फिर से चांस किसको मिलेगा, बॉडी, मीन्स प्रीवियस जो भी एडिशन आया था रिजल्ट्स के केस में, मीन्स 3 प्लस वैल्यू ऑफ आई, रिजल्ट का करंट वैल्यू क्या स्टोर हो चुका है 6, मीन्स रिजल्ट का मेन पर्पज क्या, जो प्रीवियस ऑपरेशन परफॉर्म चुके उन ऑपरेशन के रिजल्ट को प्रिजर्व करना। नेक्स्ट वन 6 को अब ऐड किससे कराना, आई के न्यू वैल्यू के साथ, आई का न्यू वैल्यू क्या है इसके इसमें 4+6, चेक कर सकते हो इस केस में, कंडीशन 2 होने के बाद जब फिर से बॉडी एग्जीक्यूट बॉडी में रिजल्ट के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे 6, मीन्स दैट 1, आई के प्लेस पर क्या आएगा 4, 6+4 इज 10, असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, वैल्यू ऑफ रिजल्ट बिकम्स 10।
नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में 5। देन अगेन कंडीशन टेस्टिंग, 5 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन परफॉर्म क्या कराएंगे अगेन बॉडी एग्जीक्यूशंस। नेक्स्ट ना अभी करंटली रिजल्ट का वैल्यू क्या स्टोर है 10, 10 मीन्स रिजल्ट का नी वैल्यू ऐड किससे कराएंगे आई के वैल्यू से, 5 आई में क्या स्टोर है करंटली 5। नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट हुआ, कंडीशन ट्रू फाउंड हुआ, रिजल्ट के प्लेस पर क्या आएगा 10, आई के प्लेस पर क्या आएगा 5। अगेन रिजल्ट इज 15 असाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू क्या चुका 15। नेक्स्ट वन अगेन कंट्रोल कांस्टेंट हुआ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस, आई प्लस बिकम 6। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बाद क्या कंडीशन टेस्टिंग, 6 लेस देन इक्वल्स टू 5 कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स देन कंट्रोल का जाए आउटसाइड बॉडी डिस्प्ले वैल्यू ऑफ सम, मीन्स मैसेज क्या डिस्प्ले को परसेंट डी के प्लेस पर क्या है वैल्यू ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट का वैल्यू करंटली 15 फाउंड हो रहा है, मीन्स फाइनली मैसेज क्या आएगा सम कॉलन स्पेस 15। इस टाइप से टेस्ट करना पॉसिबल होगा।